अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरावा टेक। तो दोस्तों आज बात करते हैं हायर के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के एरर कोड्स के बारे में, जिसमें कि हम आपके साथ E4 और F12 जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जब ये एरर कोड्स डिस्प्ले पे आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है और ये किस वजह से आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि तमाम पॉइंट्स की आपको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों इसके अलावा आपसे गुजारिश होती है हमेशा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और या फिर पहले से वीडियो देखी हुई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं E4 की। तो E4 जो है जब भी एयर कंडीशनर पर आता है या डिस्प्ले पर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इनडोर है इसका यूनिट जो PCB है वो ख़राब हो चुका है और इसकी जो एप्रोम है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, एप्रोम जो है वो स्टैंड करती है इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब कि इसकी जो रैम है वो ख़राब हो चुकी है, रोम इसकी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो आए हम आपको मुकम्मल डेमोंस्ट्रेशन देते हैं PCB के ऊपर कि ये कैसी दिखती है और किस जगह पे लगी होती है। ठीक है, तो हमने ये देखें हमारी डेमोंस्ट्रेशन हमने रेडी की है। तो ये PCB आपको जैसे कि इंडोर PCB हायर का इंडोर PCB है डेटन का। ठीक है, तो इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर है, ये ULN डार्लिंगटिंग है। ठीक है, तीन इसमें लगी हैं लेकिन इसमें एक छोटा IC आपको ये भी नज़र आ रहा है जो कि 8 पिन वाला IC है। ठीक है, ये देखें जब मैं इसको नज़दीक कर लेता हूँ तो आपको देखें ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जब भी ये प्रोम या तो करप्ट हो जाए और या फिर ख़राब हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए इसमें, तो ये जो है आपको जो E4 एरर डिस्प्ले पे शो करेगा जब इनडोर का प्रोम ख़राब हो जाएगा तो तब ये आपको शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप इसके जो 5 वोल्ट्स आते हैं इस पर, ठीक है, तो आपने 5 वोल्ट चेक करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने जो इसके पिन्स हैं वो चेक करनी होंगी कि यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है। ठीक है, जो कि पिन नंबर 4 पे अवेलेबल होता है और पिन नंबर 8 पे 5 यानी कि प्लस वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो एप्रोम है वो शॉर्ट हो चुका है या वो करप्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर दें तो ये आपका PCB बिल्कुल ठीक हो जाएगा और दोबारा से आपका यूनिट वर्किंग कंडीशन में चला जाएगा और आप जो है वो दोबारा से यानी कि E4 जो आपको डिस्प्ले पे शो नहीं होगा और यूनिट दोबारा काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं F12 की। ठीक है, तो F12 किस वजह से आता है, ठीक है, तो वो भी आपको बता देते हैं। तो ये जो फॉल्ट है F12 ये है आउटडोर PCB का फॉल्ट है। ठीक है, अभी देखें आउटडोर PCB में, ये देखें हमने आउटडोर PCB भी हमने खोला हुआ है यूनिट से। ठीक है, और आपको दिखाने के लिए कि इसमें जो फॉल्ट है वो क्या है। ठीक है, तो ये भी आउटडोर PCB के एप्रोम का ही फॉल्ट होता है। ठीक है, दोनों जो हैं E4 F12 एप्रोम के फॉल्ट हैं लेकिन जो E4 है वो इंडोर यूनिट का है और F12 जो है वो आउटडोर यूनिट का है। ठीक है, तो जब भी ये ख़राब होते हैं तो ये आपको एरर अलग अलग से देंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको कि आउटडोर में ये किस पोजीशन में लगा होता है और कैसा दिखता है। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ यूनिट्स में या मुख्तलिफ जो ब्रांड सॉरी मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं उनमें कुछ डिज़ाइन के मुताबिक डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वो उस ब्रांड सॉरी उस मॉडल के मुताबिक आपको देखना होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो ये मॉडल है इसमें कुछ इसी तरह लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास भी यही मॉडल का है तो आप बिल्कुल ये सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखें इसमें जो एप्रोम आपको दिखाई दे रही होगी, देखें ये इसमें एप्रोम लगी हुई है। ठीक है, और ये IC नंबर कुछ 14 है। ठीक है, तो जब ये ख़राब होगी करप्ट होगी तो ये जो आपको F12 जो है वो शो करेगा। और इसके अलावा जो इसके 5 वोल्ट्स हैं उसी तरह जो मैंने आपको इंडोर के बताए इसी तरह आपने इसके 5 वोल्ट्स चेक कर लेने हैं, इसकी ग्राउंड को चेक कर लेना है अवेलेबल है, इसके 5 वोल्ट प्लस वोल्टेज अवेलेबल है तो ये बिल्कुल एप्रोम शॉर्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और अगर वोल्टेजेस अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले वोल्टेजेस को अवेलेबिलिटी मुमकिन बनानी होगी ताकि आप उसको वोल्टेज आएंगे तो वो काम करेगी। ठीक है, तो अगर वोल्टेजेस किसी वजह से ख़राब हैं, कोई रेजिस्टेंस जल गई है, कोई
इसमें साथ कैपेसिटर्स वगैरह अटैच हैं, ठीक है, तो बिल्कुल लो वोल्टेजेस होते हैं, तो अगर उनमें से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर भी ये ख़राब हो सकते हैं। तो ये दोनों एरर कोड्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मिलते हैं इस तरह की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉर आवर टेक।